वीडियो शायद से सौरभ भाई देखे नहीं है, जस्ट उन्होंने थंबनेल टाइटल देखकर ही उन्होंने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया। अभी हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मनोज दे और सौरभ जोशी का। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, दोनों के बीच लड़ाई चल रहा है, दोनों के बीच फाइट चल रहा है, ऐसा लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं चल। मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। दोनों के बीच झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जिसके कारण लोग यहाँ पर वीडियो बनाकर बहुत सारे अच्छे खासे व्यू यहाँ पर ला रहे हैं। चलिए मैं शुरू से अंत तक बताता हूँ कि दोनों के बीच हुआ क्या है, कि लोग ऐसा वीडियो बनाने पर मजबूर हो रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि जो सौरभ जोशी ने मनोज दे को इंस्टाग्राम पर क्यों ब्लॉक किया। क्योंकि वो लोग दूसरे को 2 साल पहले से जानते, जब तक यहाँ पर जो सौरभ जोशी इतना फेमस नहीं था, तब से मनोज दे और यहाँ पे सौरभ जोशी एक दूसरे को जानते हैं। चलिए शुरू से जानते हैं कि क्या हुआ दोनों के बीच। तो गाइस, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इतने सारे वीडियोस बन गए हैं, मनोज दे वर्सेस सौरभ जोशी, मनोज दे हेट सौरभ जोशी, इस तरह के काफी सारे वीडियो। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया सिचुएशन। यहाँ पर मैंने 2 ब्लॉग उनके साथ मिलकर के बनाया। अब उन 2 ब्लॉग्स में इतने हेट कमेंट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, कि पीयूष में एटीट्यूड है, पीयूष में ईगो है, सौरभ में अकड़ आ गई है, इस तरह के बहुत सारे कमेंट भरे पड़े हैं। तो उन्हीं कमेंट्स को मैं रीड कर रहा था, तो मैंने सोचा भाई यहाँ पर काफी ज्यादा हेट मिल रहा है उन दोनों को, तो मैं एक पॉजिटिव वीडियो बना करके थोड़ा हेट को प्यार में बदलने की कोशिश करता हूँ। भाई, जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, जिसमें कि यहाँ पर मनोज दे ने बताया कि एक मीटअप करने के लिए गया था, दोनों तो मीटअप हुआ था यहाँ पर, मनोज दे और सौरभ जोशी दिल्ली में मिले थे। तो वहाँ पर क्या है कि जो मनोज दे यहाँ पर जो पीयूष जोशी है, सौरभ जोशी का भाई है, तो वो मिलने के लिए आया था। तो वहाँ से उसने पूछा था, अभी उठ रहे हो जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। क्योंकि और उसके बाद उन्होंने बताया कि सौरभ जोशी ने कि जो पीयूष है लोगों से कम ही बात करता, उन्होंने आदमी से कम ही बात करता, उसको यहाँ पे बच्चा है, उसको सो के उठा, ऐसा होता है सभी के साथ। तो क्या हो के लोग बोल रहे हैं कि जो पीयूष है यहाँ पर क्या है कि घमंडी है। तो गाइस क्या है कि इसी तो इस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मनोज दे की वीडियो में। तो मनोज दे ने क्या किया कि एक और वीडियो बनाया, जिसमें कि उसने एक्सप्लेन किया कि पीयूष ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जो थंबनेल है यहाँ पर लगाया कि पीयूष घमंडी है। तो गाइस क्या है कि जो सौरभ जोशी है इस वीडियो को पूरा नहीं, मतलब वीडियो को क्लिक करके देखे नहीं, लेकिन थंबनेल देख के यहाँ पर उनको आ गया गुस्सा, क्योंकि उनका भाई है पीयूष जोशी, उनको आ गया गुस्सा कि मेरे भाई के बारे में ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इंस्टाग्राम पर जाकर मनोज दे को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया। तो इंस्टाग्राम पर जाकर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और पता नहीं आपस में दोनों बात करने की कोशिश क्यों नहीं की है, क्योंकि वीडियो देखते तो समझ भी जाते, लेकिन उन्हें से जानते तो इतना तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए था। लेकिन तो उसमें स्टोरी में लगाया कि लोगों को जल्दी से अगर कामयाबी मिल जाती है तो लोग यहाँ पर एटीट्यूड में आ जाते, घमंडी हो जाते हैं, तो ऐसा उन्होंने लिखा। उसके बाद बोला कि सच हमेशा कड़वा होता, हो सकता है कि जल्दी से कामयाबी मिलने का सौरभ जोशी भाई को घमंडी भी हो सकता है, होता है, इंसान ही है, सबको होता है ऐसा। तो गाइस जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि दोनों के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनको यहाँ पर ठीक करने के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल रहा है, लोग ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यहाँ पे दोनों को मारने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा ऐसा लोग मतलब व्यू पाने के लिए कुछ भी कर रहे थे, हमने ऐसा भी बना दे रहे हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि चलिए मैं आपको यहाँ पर क्या हुआ। और सौरभ जोशी भाई का कहना ये भी है कि मनोज दे ने मेरा यहाँ पर जो नंबर है फ़ोन नंबर वायरल किया है, क्योंकि उनके जो व्हाट्सअप और फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उन्होंने बताया था एक वीडियो में, जैसे कि कल आपने देखा था ब्लॉग वाला वीडियो, उसमें बनाया था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो उनका जो निशाना सीधा मनोज दे पे कि मनोज दे ने को ब्लॉक किया, तो मनोज दे ने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये जगह मनोज दे का मैं कल मनोज दे ने फिर यहाँ पे एक वीडियो बनाया कि उसमें कहा कि साफ साफ कि यहाँ पर हुआ ये कि आप लोग तो अभी सिचुएशन को पता होगा। इतने सारे वीडियोस बन गए हैं मनोज दे वर्सेस सौरभ जोशी, मनोज दे हेट सौरभ जोशी, इस तरह के काफी सारे वीडियो। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया सिचुएशन। यहाँ पर मैंने 2 ब्लॉग उनके साथ मिलकर के बनाया। अब उन 2 ब्लॉग्स में इतने हेट कमेंट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, कि पीयूष में एटीट्यूड है, पीयूष में ईगो है, सौरभ में अकड़ आ गई है, इस तरह के बहुत सारे कमेंट भरे पड़े हैं। तो उन्हीं कमेंट्स को मैं रीड कर रहा था, तो मैंने सोचा भाई यहाँ पर काफी ज्यादा हेट मिल रहा है उन दोनों को, तो मैं एक पॉजिटिव वीडियो बना करके थोड़ा हेट को प्यार में बदलने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मेरा टाइटल था पीयूष एटीट्यूड किंग, इस तरह करके, ताकि लोगों का कहना है कि पीयूष में एटीट्यूड है, इसीलिए मैंने टाइटल लगाया पीयूष एटीट्यूड किंग, जिस वजह से उस वीडियो के लोगों ने क्लिक किया। उसमें देखना कि मैंने मतलब ट्राई किया है कि पीयूष को डिफेंड करने का, सौरभ के बारे में अच्छी बातें बताने का, जो कि है भी, ऐसा नहीं कि मैं मतलब कि फेक बात कर रहा हूँ। और वो वीडियो शायद से सौरभ भाई देखे नहीं है, जस्ट उन्होंने थंबनेल टाइटल देखकर ही उन्होंने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया। अभी तो सौरभ भाई, तो गाइज यहाँ पर जो मनोज दे का ये कहना नहीं था कि पीयूष घमंडी है, पीयूष को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा था कि पीयूष कुछ भी ऐसा नहीं है, पीयूष बच्चा, पीयूष को यहाँ बात करने का वो नहीं है।
तो गाइज इसी के बीच में यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहा है और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं और यहाँ पर लोग अच्छे खासे व्यू भी ला रहे हैं। तो गाइज इसी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहा था। तो गाइज मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।